सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो सर्दी पड़ रही है उसको लेकर मेरे मन में कुछ विचार हैं जो मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। मुझे सर्दी में नहाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एक दिन मेरी मम्मी ने कहा जाके नहा ले बेटा। तो उस वक्त मेरे मन में ऐसा विचार आया, हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में कहा दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गेरों में कहा दम था। मेरी फटके चार हो गई क्योंकि गीजर में पानी गर्म कम था। इसके बाद मैं जैसे तैसे नहा लिया, फिर अगला दिन आया, फिर मम्मी ने मुझसे नहाने के लिए कहा, तो मेरे मन में विचार आया किसी डिस्को में जाएं, किसी होटल में खाएं, इस ठंड में नहाने का भैया रिस्क कौन उठाए। यूं ही चलता रहा, पर मुझे तो नहाना अच्छा नहीं लगता। पर मम्मी ने फिर एक दिन बोल दिया जाके नहा ले बेटा। तो मैं बाथरूम में गया तो वहाँ जाते ही मुझे याद आया तुमसे मिलना और बातें करना अच्छा लगता है। सोचा बिना नहाए बदल लूं कच्छा, क्योंकि ठंडी में नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे मिलने बुलाया, बोला देखो तुम नहा के आया करो ना हग नहीं करूंगी। तो मैंने उससे कहा देखो जानू बाबू समझा करो, पर वो मानी नहीं। तो मैंने उससे कहा देखो तू इश्क है मेरा, तू जा है मेरी, मैं नहाऊंगा नहीं चाहे कर ले कितनी बेइज्जती तू मेरी। वो फिर भी नहीं मानी, जिद करती रही। आखिर में बोलती है चन्ना मेरे या मेरे या चन्ना मेरे या। मैंने उसे साफ बोल दिया मैं नहीं नहाना क्योंकि मन मेरे नहीं आ। यही सब होता रहता है मेरे साथ मेरी जिंदगी में। अभी तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया है मेरे बारे में, ये तो छोटी सी बात है। अभी तो आप इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरी इस मासूम शक्ल को देखिए।